हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। काफ़ी अच्छी बहाली आई है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एंड ये पहली ऐसी टीचर्स की जॉब है जिसमें बीएड की डिग्री की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से बहुत बार पूछा भी गया था, सर कोई ऐसी जॉब्स बताए जिसमें बीएड की डिग्री ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक, बीएससी, एमसीए, एमएससी कर रखा है बट उन्होंने बीएड नहीं कर रखा है। तो हमेशा पूछते रहते सर कि कोई ऐसी जॉब्स बताइए जिसमें बीएड की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सब डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती रहती है उसके बारे में आप लोगों को तक पहले इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो स्किप मत करना। लास्ट तक देखोगे तभी समझ पाओगे, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है, ये बहाली जो निकल के आई है, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो निकल के आई है, एक्चुअली ये बिहार में निकल के आई है, बिहार की जॉब से। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो जॉब लोकेशन वो बिहार में कहीं भी हो सकता है। तो इसमें जो है बिहार में टोटल जो है 37,335 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें जो है बीएड को बिल्कुल भी नहीं मांगा गया। बीएड की डिग्री कंप्यूटर टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। तो कंप्यूटर टीचर्स की कितनी रिक्रूटमेंट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टोटल कंप्यूटर साइंस के लिए जो 1673 जो है नंबर ऑफ पोस्ट है, तो 1673 भी पोस्ट ज़्यादा है। अगर आप जॉब लेना चाह रहे हो तो अगर इससे आप कोई इशू नहीं है कि पोस्ट क्या है नहीं है, पोस्ट अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें डिफरेंट है अदर जोन के अकॉर्डिंग। इसमें जो है अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियर्स कर रखा है, आपने बीसीए, एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस वगैरह कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की डिग्री नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। देखो फॉर्म अप्लाई करने का डेट्स तो मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लास्ट डेट जो है 18 सितंबर तक ही आप कर पाओगे। 18 सितंबर तक कोशिश करना करने की। एंड किस वेबसाइट पे जाके आप वो करना है यहाँ पे देख सकते हैं, www.bsebstet2019.in पे। एक्चुअली ये जो एसटीईटी की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है बिहार सरकार की तरफ से, तो उसमें कंप्यूटर टीचर्स को भी ऐड कर दिया गया है। कंप्यूटर टीचर्स को छोड़ के बाकी जो भी पोस्ट है उसमें बीएड चाहिए, एक कंप्यूटर टीचर्स की ही पोस्ट ऐसी है जिसमें बीएड की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्स के बारे में दिया गया देख सकते हैं, 2.5 घंटे का दो पेपर होगा, 2.5 घंटे का। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दिया, डेट्स भी बता दिया। एग्जाम्स के बारे में बता दूं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो भी आप लोगों ने देखा, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए जो है क्वालिफिकेशन जो बताया गया है, अगर आप एक कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन देख सकते हो, ए लेवल फ्रॉम डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और बी और बीटेक कंप्यूटर। क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, बाकी डिटेल्स में अगर पढ़ना चाह रहे हो तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करो आराम से पढ़ो, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है इसमें उसी के बारे में आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जाम्स का पैटर्न देख सकते हो, 150 मार्क्स का जो है, 150 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम्स होगा। एंड बात अगर एज रिलैक्सेशन ही करें, देखो एज रिलैक्सेशन मिनिमम जो है 21 साल है, एंड अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो 10 साल का आप लोग का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं रिलैक्सेशन की बात करते हैं, सामान्य पुरुष 37, सामान्य महिला 40, पिछड़ा वर्ग जो है महिला पुरुष जो भी हो 40, फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला जो है 40 वर्ष से, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल बताया गया। उत्तीर्ण के बारे में बता दूं, मेरिट के बेस पे आपका जो है आपका मेरिट बनेगा, नंबर के बेस से मेरिट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब उसके बाद परीक्षा का विषय बताया गया है, विषय आप इसको एक बार डिटेल से पढ़ लेना। एंड उसके बाद जो है डेट्स के बारे में आप हमेशा याद रखें कि डेट्स कब तक दिया गया, 18 तारीख तक आपको लास्ट जो है आप फॉर्म फिलअप कर देना है। बात हमने डेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम्स के बारे में बताया, एंड अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फ़ीस के रूप में आपको कितना पे करना होगा। देखो फीस जो है इसमें 500 रुपीज़ है, अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं। एंड पेपर वन के लिए 500 है, पेपर टू के लिए भी 800 है, एंड शारीरिक शिक्षा जो चेक होगा आपका 500 है।
अनुसूचित जनजाति के लिए जो है पेपर फर्स्ट के लिए 300, पेपर सेकंड के लिए 500 एंड 300 रुपीज़ जो है आपका फिजिकल जो चेक उसमें किया जाएगा, मेडिकल की तरह होता है उसके लिए होगा, आपसे पेमेंट लिया जाएगा। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरह की, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। एक्चुअली ईमेल ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे डाला गया है एंड www.bsebstet.com पर जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा था ये वैकेंसी, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछो। गाइज अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना वीडियो। लाइक से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की तरह लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब अभी के अभी चैनल करो एंड ताकि जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आए सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। तो गाइज फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।